नमस्कार, मैं उशिष्टी, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्कॉटिश शहर ग्लासगो में आज यानी मंगलवार को दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी इसराइल और यूक्रेन हित कई अन्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कोरोना महामारी फैलने के बाद से प्रधानमंत्री की ये पहली इस तरह की बैठक है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी उद्योगपति बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। इससे पूर्व सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पूर्व G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को अपने रोम दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी और पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी वर्तमान में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये 190 से अधिक देशों की एक बैठक जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए सहमत हुई थी। ये संस्था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आपसी कदम उठाती है। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश, सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें भी जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सिड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। इससे सिड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में समय रहते जानकारी मिलती रहेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, आयरिस के लॉन्च को मैं बहुत अहम मानता हूँ। आयरिस के माध्यम से सिड्स को प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता, जरूरी जानकारी तेजी से जुटाने में आसानी होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत सतत विकास के लिए किए जाने वाले हर प्रयास को हमेशा मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को यहां COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लेन से एक बार फिर मुलाकात की। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और लेन ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर शुक्रवार को रोम में मोदी से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।